उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप छोटा सोच रखी हुई आपने कि पाकिस्तान से खेलना है, आपने कहा इंशाल्लाह पाकिस्तान से खेलना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। आपको पीते वक्त भी क्रिकेट हो आपके दिलो दिमाग में, खाते वक्त भी हो, पढ़ते वक्त भी हो, हर वक्त चलते फिरते आपके दिमाग में, सोते खाते पीते अगर क्रिकेटर बनना है तो, अगर टाइम ज़ाया करना है तो मेरी बातें टाइम ज़ाया करने वालों के लिए नहीं है। जिसने क्रिकेट खेलनी है उसने सिर्फ क्रिकेट ही खेलनी है, ठीक है? और कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए मेहनत के बगैर वो आपको नहीं मिल सकती। आपको अल्फाजों में बहुत सारे बड़ों से सुना भी होगा आप लोगों ने, और मेहनत चाहे मुसलमान हो ना हो, काला हो गोरा हो, मेहनत का वो ऊपर वाला सबको देता है। ऐसे ही है जी, सबको देता है ना मेहनत। जिस चीज़ की आप मेहनत करते हो अल्लाह ताला उस चीज़ का फल देता है आप लोगों को। तो मेहनत करनी है ईमानदारी के साथ, ईमानदारी अपने साथ, किसी को दिखाने के लिए नहीं, ईमानदारी अपने साथ, अपने अंदर वाला जो ज़मीर है ना उसके साथ ईमानदारी करनी है, उसने ईमानदारी करनी है। क्योंकि ऊपर वाला जो जिस्म है अल्लाह ने इसको नहीं लेना, जो आपकी रूह है अंदर, जो असल में आप है। शाहिद अफरीदी बाहर से कैसा है वो तो आपको नज़र आ रहा है, शाहिद अफरीदी अंदर कैसा है ये आपको नहीं पता, ये सिर्फ बनाने वाले को पता है। और फैसले किस पे होंगे? अंदर वाले शाहिद अफरीदी पे फैसले होंगे। अपनी नीयत को साफ रखो। आप किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो अल्लाह ताला उल्टा वो आपके लिए अच्छा करता है, ये निज़ाम है ऊपर वाले का। ईमानदारी के साथ क्रिकेट खेलो, मेहनत करो, ठीक है ना? आपके पास फैसिलिटी है, पहले तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि शकील भाई ने आप लोगों को ये तीन नेट्स दिए हैं, पिच भी अच्छा था, और इस पर इसको यूटिलाइज़ करो, वक्त ना ज़ाया करो। बस एक दफ़ा वक्त निकल के हाथ से ना फिर उसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, वक्त कभी ज़ाया ना होने देना, ठीक है? इंशाल्लाह थैंक यू, खुश रहो सारे। आप लोगों में से कोई अच्छे बच्चे होंगे, शकील भाई मुझे बताएंगे, मैं आपको कश्मीर लीग में भी चांस दिलाऊंगा, एमएसएल में भी दिलाऊंगा, और जगह जाऊंगा।